जैसे कि हर वक्त हम रखते हैं, कल भी हमने देखा था अंतिम सत्र पर, तो आज एक विशेष सत्र पे हमारे बीच में वैद्य श्री आरिंद्र दवे जी, जो अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज है अहमदाबाद, आयुर्वेद की वो कॉलेज है बहुत पुराने, उसमें प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और आयुर्वेद का जो शालक्य तंत्र है, जो ऊपर का भाग है भले से उसके रोग का एक तंत्र होता है, उसको शालक्य तंत्र कहते हैं, और शालक्य तंत्र के अच्छे निष्णांत थे, सालों से उनका अनुभव रहा है, तो वो हमारे निमंत्रण को मान देते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसका करतालन ध्वनि से स्वागत करेंगे हम लोग। वैद्य के चार मूल है जो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दुष्टकर्मा शुचिर भिषक, उसमें चौथा गुण सबसे महत्व का होता है शुचिर भिषक, तो वो तीन का सार चौथे में है। तो पितृजी महाराज साहिब जो यहाँ के प्रेरणादाता थे, उनके मुंह से मैंने इनके बारे में बहुत बार सुना था सालों में, तो बहुत सारे पुस्तकों में इनका जिक्र आता था, तो उनके बारे में वो बताते थे। मेरा संवाद होता था लगभग हफ्ते में तीन बार, दो तीन घंटे के लिए, तो उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी चक्षु संहिता, यानी आयुर्वेद में जो चक्षु यानी कि आँख, उसके बारे में माहिती देती हुई पुस्तिका है चक्षु संहिता, बराबर है, वो पुस्तिका लिखी थी आंखों के रोगों के बारे में। और अभी आयुर्वेद में जो कम से कम काम हुआ तो ये आंख के ऊपर हुआ, आयुर्वेद क्षेत्र, तो उनमें वो निष्णात थे, और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं में भी कार्यरत है, आयुर्वेद का अभ्यासक्रम का या फिर अभी की कॉलेज का उनको बहुत ही सारा अनुभव है, जो अभी हमारे विद्यार्थी को, हमारे कार्यकर्ताओं को शॉर्ट टर्म कोर्सेज से या फिर ऐसे विभिन्न कोर्सेज से वो कैसे मिले, वो लाभ कैसे मिले, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। बहुत सालों, लगभग 7-10 साल पहले आयुर्वेद की एक दंत विद्या की कॉलेज राजकोट में रतनपुर में कार्यरत थी, वहां पर आयुर्वेद के जगत का, आयुर्वेद के विश्व का सबसे प्रथम दंत विद्या का कोर्स हो रहा था, 1 साल का पीजी पोस्ट ग्रेजुएट दंत विद्या का, जिसको जालंधर बंद पद्धति से दांत निकालने का कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग तैयार हुए, उसमें भी वो प्रिंसिपल थे वो कॉलेज में, और वो भी उनके विषय ही थे, उनका विषय है जालंधर बंद का, यानी कि दंत चिकित्सा का, तो दो पर मुख्य, एक चक्षु की चिकित्सा और दंत की चिकित्सा। तो चक्षु के लिए क्या क्या ध्यान रखे आयुर्वेद दृष्टि से, बराबर है, आज सबसे ज्यादा जरूरी हो, तो एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आज हम वो लेंगे संवाद के रूप में सत्र। तो सबसे पहले शुरुआत में ही करूंगा प्रश्नों की, बराबर है, तो चक्षु के विषय पर आयुर्वेद में भी कम काम हो रहा है, तो साधारण रीते ज्यादातर मेरे से लेकर पूरे ऑडियंस तक सबको चश्मा है, पर बहुत लोगों ने पहना है, बहुत लोगों ने नहीं पहना है, उतना फर्क है, बराबर है। तो बच्चों को जो ये मायोपिया वगैरह प्रॉब्लम होता है चक्षु के विषय पर, तो इस पर आयुर्वेद की दृष्टि से अभी के काल में क्या कर सकते हैं, उसकी सावधानियां पहले तो क्या रख सकते हैं, और बाद में जो घरेलू उपचार है, सरल सीधे उपचार है, वो क्या रख सकते हैं, बराबर है, हाँ वो तो बताएंगे, बराबर है, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और भारतीय संस्कृति के चाहक वर्ग के सामने मुझे कुछ दो बातें रखने का मुझे अवसर आपने दिया है, बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ कि जो मिहुल भाई ने ये अभियान शुरू किया हुआ है वैदिक पेरेंटिंग और अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और इस कार्य में आप सभी ने इतना जो है रस दिखाया है, ये ही बताता है कि भारतीय संस्कृति के प्रति आपका कितना प्रेम है।
हमारे यहाँ एक बात बहुत सचोट रूप से कही गई है कि जब धार्मिक बातें हैं, सांस्कृतिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, ये सब बातें हमारे दिमाग में या तो हमारे आचरण में कब आती है, तभी आती है कि जो कुछ हमारे पूर्व जन्म से हम लेकर भी आए हैं, तभी हमें इस जन्म में कुछ करने की प्रेरणा होती है। तो पूर्व जन्म से आप बैंक बैलेंस लेकर यहाँ पर आए हैं और जिनका एनकैशमेंट अभी आपको यहाँ करने का एक अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात बिहुल भाई ने कही कि हाथ का चश्मा। इस क्षेत्र में मेरे 40 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसी विषय में है और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद तुरंत में इसी क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में भी मतलब दर्दियों को चिकित्सा करने का, विद्यार्थी को सिखाने का, दोनों जो काम 40 वर्षों में मैंने किया हुआ है वे भी करता रहा हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी को सिखाता हूँ तो वो मेरी गलती है। आयुर्वेद में जो कहा गया है वो मैं बोलता हूँ, तो बोलने के साथ साथ में मैं भी कुछ सीखता हूँ। इसीलिए मेरा एक स्वभाव रहा है विद्यार्थियों को बोलने का कि आप प्रश्न करने की आपको छूट है। मैंने यही बोला कि मैं सिर्फ बोलूं वो मुझे मंजूर नहीं है, हमारा और आपका संवाद होना चाहिए। हमारी पूरी संस्कृति आप देखिए, ज्ञान की परंपरा की, इसमें संवादात्मक है। सिर्फ गुरु ने लेक्चर्स दे दिए ऐसा नहीं है, शिष्य ने प्रश्न पूछा, उसकी जिज्ञासा व्यक्त की, गुरु ने परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया। ये हमारी परंपरा है, हमें इसी तरीके से ही ज्ञान प्राप्ति करनी है। और जो ऋषि मुनि हो गए उनकी बात अलग है, लेकिन मैं मेरे जैसे की बात करता हूँ तो आपके साथ बात करते करते मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मैं ये बात मेरे विद्यार्थियों को भी मैं कहता हूँ, क्योंकि आजकल के सभी विद्यार्थी और आजकल के पहले वाले भी कुछ न कुछ प्लस लेकर आते हैं, ईश्वर ने कुछ न कुछ प्लस उनमें दिया होता है। जो बात आयुर्वेद ने कही है वो मैं मेरे हिसाब से जब विद्यार्थियों के सामने रखता हूँ तब उनके मन में कुछ उसी संदर्भ से कुछ सवाल आते रहते हैं। वो सवाल जब उनके मन में आते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये तुम्हें आता ही नहीं है, तो इसको किस तरीके समझाना चाहिए, तो मैं भी सीखता हूँ। तो ये बात विद्यार्थियों की ओर से, जब कोई दर्दी हमारे पास आता है, मैं ऐसा मानता हूँ चिकित्सक के संदर्भ में सभी के लिए, सभी चिकित्सक जो भी चिकित्सा करते हैं सभी के लिए, हर एक दर्दी हमारा एक क्वेश्चन पेपर है परीक्षा के लिए। यदि आप इनको सफल कर पाए, इसकी चिकित्सा सफल कर पाए, तो आप परीक्षा में पास हैं। तो जब हमारे पास आता है तो एलोपैथी की तरह नहीं है। एक समय में आप सभी को पता भी होगा, जो हमारे पास एक पोस्ट कार्ड आता था पहले, उस समय में सिर्फ 5 पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था, उसमें लिखते थे इसमें ठंड लग के बुखार आई है, मलेरिया हो सकता है, क्लोरोक्विन लीजिए, ऐसा लिख कर आता था। आयुर्वेद में वो बात नहीं है कि कुछ चिकित्सा सार्वजनिक की जाए, वो व्यक्ति व्यक्ति को देखकर चिकित्सा होती है। इसीलिए जो दर्दी हमारे पास आते हैं वो हमारे लिए एक क्वेश्चन पेपर है, हमें उसका क्वेश्चन समझना है और समझने के बाद में उसको सुलझाना है। तो आयुर्वेद का मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं इसलिए ये दो बात आपके सामने रख रहा हूँ कि विद्यार्थियों ने जो मुझे प्रश्न किए, दर्दियों जो भी खुद का दर्द लेकर हमारे पास आए, इस तरीके से जो मुझे ज्ञान थोड़ा कुछ मिला वो आपके साथ हम करेंगे, लेकिन प्रश्न आपकी ओर से होना चाहिए। मैं सिर्फ बोलता जाऊँ तो क्या होता है कि बोलने वाला वक्ता होता है और सुनने वाला
श्रोता होता है, मोनोटोनस जब हो जाता है ना एक का, तो श्रोता में से कब श्रोता हो जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले आप जो बोल रहे थे इसके कारण, आयुर्वेद में चिकित्सा का पहला सिद्धांत यही है कि जो रोग जिस कारण से हुआ है इसको पहले नाबूद करो, उसको दूर करो, सबसे पहले यही है। संस्कृत में लिखा है निदान परिवर्जनम, निदान मतलब इसका हेतु कारण, रोग का जो कारण है हेतु है वो समझो पहले क्या है, उसको दूर करो, आधी चिकित्सा वहीं खत्म हो जाएगी, कभी कभी तो पूरी चिकित्सा। मैंने बहुत सारे ऐसे दर्दी को आंखें के दर्दी वो डायबिटीज के लेकर आते हैं, दूसरे को डिसीज को लेकर आते हैं, आँख के अंदर प्रॉब्लम होती है, मैं पूरा इसका हिस्ट्री लेके उसका क्या डाइट शेड्यूल रहता है, क्या खाते हैं, अभी तक क्या खाए, अभी तक क्या क्या उसको रोग हुए, रोग की क्या चिकित्सा की, वो समझने के बाद में मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से बात की तो कब किसकी स्थिति क्या रही है, जो उनको अभी तक जो दर्द हुए उसको दूर करने में। कभी कभी क्या होता है कि हम इस प्रकार की चिकित्सा करते हैं जो दोषों को बाहर निकलना चाहिए वो निकालते नहीं है, दबा देते हैं, तो ये दबाए गए दोष एक क्या दूसरे स्वरूप में बाहर आते ही है, हमेशा पता चलता है ये तो नया रोग आ गया। अरे भाई नया रोग नहीं है, वो आपने जो इसको दबा दिया है दूसरे स्वरूप से आ गया आपके पास आपके सामने, यही होता है, हमें इसी को समझना है। यदि हम जो सामने दिखता है उसी को पकड़ के चिकित्सा करेंगे तो आप हो सकता है कि सफल ना हो, लेकिन ये क्यों हुआ, किस रोग के दोषों को दबाते हुए हुआ है समझते हैं तो मूल चिकित्सा करो। मैं कभी कभी यहाँ के दर्दियों में सर्दी की चिकित्सा देता हूँ, प्रतिशायक मतलब जुकाम की देता हूँ, सबको लगता है यार तुम पागल हो गए यार, मैं आंखें फरियाद लेकर आए तुम मुझे ये दवा दे रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक जो जुकाम की दवाई की ना पानी जो नाक में से निकलने की बात थी, तो कुदरत ने जब आपके शरीर में इस प्रकार की विकृतियां हुई है कुछ भी कारण की वजह से, उसको बाहर निकालने के लिए कुदरत ने ये प्रक्रिया रखी है, उसको निकल देना चाहिए। और यदि आपको सही ढंग से चिकित्सा कर रही है तो इसको निकालने में मदद करनी चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। इसके बजाय हम क्या करते हैं, जल्दी ठीक कर दो, हमें आज घंटे के बाद हमें ऑफिस जाना है, दांत में से पानी निकलना बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो बंद जो दोष हो गया अंदर कहीं ना कहीं एक या दूसरे स्वरूप में बाहर आता ही है, आज नहीं तो कल, ये सही बात है। तो हम पहले यो करते हैं, निकालो जो दोष जमा हो उसको निकालो, अपने आप काफी रोग आके ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जिन्हें जस्ट एक सभी को पता होता है कि जुकाम क्या होता है, क्या दवाई हम करते रहते हैं आज तक, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। अभी बात वहां पर थी कि कारण की बात, नंबर क्यों आते हैं। आप सभी विज्ञान पढ़े होंगे, आज कल का जो विज्ञान है खास करके फिजिक्स भौतिक शास्त्र, तो आपके अंदर एक बहिर्गुण कांच होता है। बहिर्गुण कांच जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि बहिर्गुण कांच में से जब किरण एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर आते हैं तो वो जो बहिर्गुण कांच है वो उसका जो फोकल पॉइंट रहता है एक, वो वहां पर वो केंद्रित होता है और किरण आके वहां पर फोकस करते हैं, ठीक है। वो दरेक लेंस की जो उनकी इंडेक्स है उसके हिसाब से फोकल पॉइंट बनता है। हमारे आंख के अंदर वो भी बहिर्गुण कांच है, वहां पर भी फिजिक्स का ही नियम लागू होता है, बाहर से जो किरण आते हैं अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उसका फोकल पॉइंट क्या है, जो हमारा दृष्टि बिंदु है वो उनका फोकल पॉइंट है, उसी के ऊपर कुदरत ने इस प्रकार के हमारे लेंस की रचना की है कि बाहर से आए हुए किरण को वहीं केंद्रित हो जाए ताकि वहां से केंद्रित होते होने की वजह से हमें पूरा चित्र स्पष्ट दिखाई दे। इसी प्रक्रिया में कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, क्या क्या होता है कारण मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है वो ऐसा है कि इसमें यदि मानो कि आपका फोकल पॉइंट जहां पर दृष्टि बिंदु है उसे पहले केंद्रित हो गया किरण तो भी नहीं दिखेगा, एक मिलीमीटर भी पहले आ गया हो गया अगर तो भी नहीं दिखेगा, थे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा, आंख इसको ध्यान से क्लियर करने के लिए कोशिश करेगी, ज्यादा कोशिश करने की वजह से स्ट्रेन पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो आँख में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आँख में से पानी निकलना, जलन होना, सब इस साथ में शुरू हो जाएगा। तो बात यह है कि आजकल क्या होता है कि जो
किरण दृष्टि बिंदु के ऊपर केंद्रित होने चाहिए, वो उससे पहले केंद्रित हो जाता है। उसके लिए आजकल जो चश्मा दिया जाता है वो माइनस नंबर का होता है, कौन केव, ऐसा ऐसा ऊपर से यहाँ से ऐसा बीच में से पतला, मतलब ये कौन केव अंतर गोड़ इसको बोलते हैं हम समझने के लिए। तो वहाँ से जो किरण प्रसार होते हैं वो फैलते हैं, तो फैलने की वजह से क्या होता है, हम दो उसमें मेजरमेंट लेके करते हैं कि भी कितना मिलीमीटर का अंतर है दृष्टि बिंदु से और इस लेंस के फोकल पॉइंट का अंतर बीच में से कितना है, वो मेजरमेंट करके कितने नंबर का चश्मा लगेगा माइनस वो निकालते हैं, फिर वो देते हैं किसी को आधा नंबर, पौना नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी है वो निकाल के वो पहना देते हैं। तो क्या होता है कि जितना डिस्टेंस है वो वहाँ से इतना लंबा हो जाएगा, आपको दिखेगा। ये बेसिक थिंग इसमें रहती है मायोपिया में, ठीक है। ऐसा मायोपिया होने का कारण आजकल जो बढ़ रहा है इसमें, आधुनिक विज्ञान में ऐसा कहा गया है, ह्यूमन आई इज नॉट मेड फॉर द नियर विजन, मतलब अपनी जो आंख है वो नजदीक का काम करने के लिए बनाई गई नहीं है। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे चलता है भाई, चलता है, हमारी पूरी संस्कृति इसके ऊपर आधारित है। तो बोले कि सब ये पढ़ाई कैसे होगी, तो फिर हम बच्चों को बैठते हैं तो पहले तो पढ़ना होता है, स्कूल भेजते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, सबसे पहले तो वहीं से तो शुरुआत होती है, हमारी संस्कृति में वो नहीं है। विद्वान किसको बोलते हैं हमारी संस्कृति में, जिन्होंने बहुत सुना है, बहुत श्रुत, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु ज्ञान देता है बोलता है, बोलने से शिष्य सुनकर ज्ञान लेता है, इसलिए हमारे यहाँ शब्द आए हैं एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, इस तरीके से आ गए। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा हमारे बहुत सारे पात्र ऐसे हैं, एक बार सुना याद रह गया, गुरु जी ने बताया भी होगा, मैं ज्यादा इसको नहीं जोड़ूंगा, कालिदास जी का एक सर वो कच्चा एक ये है, इसमें से ये बात आती है, एक ही मतलब। तो सुन के ज्ञान प्राप्त करना ये हमारी संस्कृति है, इसीलिए श्रुति शब्द दिया गया, ये बात है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मायापिया क्यों डेवलप होता है, जब बालक का जन्म होता है तब हमारी जो आंख है वो मायोपिक नहीं होती है, हाइपरमेट्रोपिक होती है, इनको नजदीका देखने का तकलीफ होती है, इस प्रकार की होती है। हमारे यहाँ क्या है, अभी हम माइनस नंबर पहनते हैं, सभी को पता होगा जिनने माइनस नंबर पहना है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा गलत बात है, लेकिन थोड़ा सा ही होगा दो तीन के आसपास, तो अभी इसको दिखेगा नजदीक का पास का बिल्कुल साफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दूर का देखना है तो दिक्कत, लेकिन इसको बोलते हैं मायोपिक आई। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई किसको बोलेंगे, कि नजदीक देखने में दिक्कत है, दूर का तो ठीक से दिखता है, उसमें प्लस नंबर लगते हैं। ये दो कंडीशन अलग अलग है, जब बालक का जन्म होता है तब कुदरतया इनकी आँख ये हाइपरमेट्रोपिक टाइप की होती है, लेकिन धीरे 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 जैसे शरीर का विकास होता है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसी साथ साथ आँख का भी डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है, 6 या 7 उम्र के आसपास उनकी आँख इस तरीके से सेट हो जाती है कि न तो वो मायोपिक रहती है न तो वो हाइपरमेट्रोपिक रहती है, नॉर्मल सी हो जाती है। तो वहाँ तक ठीक बात है, कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, 2.5 साल का बच्चा हो गया नर्सरी में भेज दो, वहाँ पर भेज दो, बोलते हैं हम लोग अरे वहाँ तो बस खेलने जाना है। सही में बताइए आप, सिर्फ खेलने का होता है, कुछ न कुछ पढ़ाई हो जाती है, कुछ न कुछ ये हो जाता है, देखने का हो जाता है, लिखने का हो जाता है, लिखना का नहीं होता, कम से कम देखने का तो हो ही जाता है। तो आँख जो हमारी सिर्फ दूर का देखने के लिए बनाई गई है ईश्वर की ओर से, नज़दीक का हम ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं 2.5 साल की उम्र से, वो स्ट्रेन पड़ता है आँख को, और वो जो उनका डेवलपमेंट होना है हाइपरमेट्रोपिया से प्लस नंबर वाली आंखों में से नॉर्मल आना है, वो धीरे 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 नॉर्मल तरीके से हो जाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो जल्दी से उसका डेवलप हो जाता है,
और इतना जल्दी डेवलप हो जाता है कि जो ट्रेन हमें अहमदाबाद रेलवे स्टेशन रुकनी चाहिए इसकी बजाय वो मणिनगर जाके रुक जाती है, ऐसा होता है। तो बात क्या हो गई कि डेवलप और डेवलप आए होगी इसी तरीके से माया का डेवलप होता है। तो वहाँ लेंस का जो डेवलपमेंट होना के साथ में वो नहीं होता है, तो आई बोल का हो गया, दृष्टि बिंदु लंबा हो गया, लेंस का पावर उतना ही रह गया, माया का डेवलप हो जाता है। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हालांकि हमारे यहाँ बहुश्रुति ही बात है, वेस्टर्न कल्चर में जो पंडित है इनको क्या बोलते हैं विद्वान लोगों को, वेल रेड, उन्होंने बहुत पढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, सुनने का महत्व है। और पढ़ने की जब बात आती है और तब जब आप शुरू से ज्ञान करना है आपको, तब हमें कब भेजते हैं हम लोग, 7 साल के बाद, 7 साल की उम्र के आसपास, ठीक है। हमारी संस्कृति में वही बात है, ऋषि मुनियों ने ये क्यों लिखा 7 साल, पहले क्यों नहीं दिया, बाद में क्यों नहीं। कुछ ना कुछ जब काम करेंगे वहां पर, नजीक का काम करने का ज्यादा जब अधि हो गया तो भी 7 साल के बच्चे की आंख डेवलप है, उनको कोई ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा नहीं। ये इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है। दूसरे कारण तो है, आध्यात्मिक कारण तो है, वो तो सब कुछ है, लेकिन ये आंख के दृष्टिकोण ये महत्वपूर्ण कारण है हमारे यहाँ। उसी समय पर इसको जो भी पढ़ाई वगैरह करनी है, थोड़ी परिपक्वता होती है तब उसको बोलना है। तो ये बात इस प्रकार से, तो सबसे पहले मैंने अभी जब आपने बताया मैडम माता जी के लिए, हाँ, तो कारण के बारे में जब आपने पूछा था, तो कारण क्या हुआ मायाविया का, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा देखना, ज्यादा नजीक का काम करना, ये मुख्य कारण हो गया। छोटे बच्चों को ही केवल ये छोटे बच्चे को तब तो ऐसा होगा कि उसको नजदीक का काम न कराए, बिल्कुल पढ़ाए नहीं, बिल्कुल तो नजदीक का काम न कराए, पढ़ाए नहीं बच्चों को, लेकिन एक उम्र होने के बाद उसको कराए, 7 साल के बाद, हमारे ऋषि मुनि ने 7 साल उम्र बताई है पढ़ने के लिए, तो वहां पर वो अक्सर आरंभ करे या कुछ पढ़ने की थोड़ी थोड़ी शुरुआत करे, साथ शुरुआत वैसे हो सके तो सुनकर ही करे, सबसे उत्तम वही है। देखो एक अभ्यास ऐसा है कि जब हम इस प्रकार के माध्यम में आए हैं और बोलने वाला बोलता है और साथ साथ में हमारी एक आदत रहती है पॉइंट नोट कर लेते हैं, अच्छी बात है, बुरी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी ज्यादा असर तब होगी आप एक ध्यान होकर सुनिए। यहाँ जो इम्प्रिंट हो जाएगा ना, यहाँ वाला कभी भी भूल सकते हैं आप लोग, यहाँ नहीं भूलोगे कभी। प्रयत्न कीजिए एक पाठी होने का, थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयत्न करेंगे तो अवश्य होगा। यहाँ पर जो गुरुकुल में लोग आते हैं, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, देखा होगा जब 7 साल का 6 साल का बच्चा जब गुरुकुल में आता है तो उनके अंदर क्या शक्तियाँ पड़ी है किसी को पता नहीं होता है। जब उनको इस प्रकार का मौका दिया जाता है उसको बोलते कि नहीं आप ये भी कर सकते हो, अपने ताकत है, ईश्वर ने आपको ये दिया हुआ है, जब एक करने लगता है, भूले भी होती है लेकिन उसी में से आगे आके कि बच्चा अच्छा जो है एक क्षेत्र में आगे आ सकता है। शायद आपको पता होगा ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त के बारे में पता है आपको, नहीं मुझे जहाँ तक ज्ञात है गुरु जी को ज्यादा पता होगा, जो 3 लोग ने बताया था इनमें से एक यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का विद्यार्थी था, शिष्य था, ज्योतिष में, हाँ, कहाँ पढ़ने गया था, कौन सी किताब लिखने बैठा था, सुन सुन के पढ़ पढ़ते हुआ। तो ये शक्तियाँ हमारे बच्चों में हो सकती है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, मेरा भी, कि हम दूसरी परंपरा में पढ़े और इस परंपरा में हम नहीं आ पाए, लेकिन आप सभी ने जो ये निश्चय किया हुआ है इस परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में पढ़ने का, पढ़ाने का बच्चों को, ये बहुत उम्दा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें एक जो दूसरे बात जो एक बेसिक कॉज है, बेसिक कारण है, आहार क्या लेना चाहिए, अभी इसके बराबर, इसके बराबर
एक मुख्य कारण ये है, यदि आप मैं जब मेरे पास छोटे बच्चे लेकर माता पिता आते हैं तो सबसे पहले बोलता हूँ सही में आप नंबर कम करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, इसको चश्मा पहनाना बंद करिए, इसको लिखना पढ़ना बंद करिए। तो वो कैसे करेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे वो इस आजकल के जो कॉम्पिटिटिव युग है इसमें कैसे आगे बढ़ पाएगा। मैंने बोला हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे, कहाँ लिखने गए थे, कहाँ पढ़ने गए थे। ऐसा नहीं है कि आप, ये बात सही है कि आज का माहौल ऐसा है, यदि इसमें नहीं गए हैं तो कायदा की दृष्टि से भी हमें हमारे पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये एक अनिवार्य अनिष्ट हो गया है वो अलग बात है, लेकिन हम जब हमारी तकलीफें इस प्रकार की है तो हमें कम से कम कितना हम इसमें से दूर रह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। मैं भी सभी से बोलता हूँ तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि हम हमारी आँख जो है पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रिया है, पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रिया में सभी का काम कब होता है, जैसे कि अब आप बैठे हैं मैं बोलता हूँ तो मेरी वाणी का काम हो रहा है, आप कान से सुन रहे हो, ठीक है, साथ साथ में किसी ने ऐसा हाथ रखा, किसी ने ऐसा हाथ रखा, कौन आ रहा है, इसका स्पर्श हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो कब, उन उन इंद्रियों के विषय जब का संपर्क जब होता है तब। आपके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि 24 आवर्स आंख का काम चालू होता है। अभी आप सुन रहे हो मुझे, साथ साथ में देख भी रहे हो, तो आंख का भी काम है। आप टहलने निकले हो, ठीक है, तो देखते रहते हो, पक्षियों की आवाज आ रही है सुन भी रहे हो, लेकिन जब पक्षियों की आवाज आती है तब लिखी देखने का काम तो सतत चालू ही है। तो आप बोलोगे कि भाई रात को तो हम सो जाते हैं, आपने तो 24 आवर्स की बात करी, सपने देखते हैं हम लोग, नींद में सपने आते हैं ना कभी कभी। विज्ञान ऐसा बोलता है, जो सपने का जो विज्ञान है वो बोलता है जब सपने आप देखते हो आँख भी उसको समय में कार्यरत होती है आपकी, क्योंकि आप वहाँ पर भी आपको विजुलाइज होता है पूरा चित्र, वहाँ पर भी ये काम होता है। तो आँख को जो आराम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, तो क्या करना है, उसी प्रकार की चिकित्सा में थोड़े थोड़े समय पर आँख को आराम देना है। इस प्रकार के सभी इंद्रियों को माता पिता को मैं समझाता हूँ, बच्चों को समझाइए, इसको बोलिए कि आँख बंद करें, माथा थोड़ा झुका के रखिए, हाथ ऐसा करके आँखें पर रखिए, बाहर का कोई किरण अंदर आना नहीं चाहिए, अंधेरा हो जाना चाहिए बिल्कुल। जिसको ज़्यादा काम रहता है उसको हर आधे घंटे में 5 मिनट, कम काम रहता है इसको हर एक घंटे में 5 मिनट इसको आराम दीजिए। ऐसा करने के बाद में आप देखिए आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको भी आराम चाहिए, हम देते ही नहीं आराम, 24 घंटे हम काम लेते रहते हैं। हमारे यहाँ 2-3 ही अवयव ऐसे हैं जिसको 24 घंटा काम करने की आवश्यकता है, तो तका भी सोने दी है, हाँ आपको ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, हार्ट बिल्कुल। तो ये बात है, तो ये करना है, बीच बीच में आराम लेना है। दूसरी बात, जब हम आंखें के पास ज्यादा काम लेते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से इसको बोलते हैं अति योग, अति योग हो जाता है तो बीच में आराम देना है, वो हो जाता है। आराम ज्यादा मतलब काम ज्यादा करने की वजह से थकान सी वैसा होती है, ये थकान की गर्मी को दूर करना है, पांव के तले में आप गाय का घी आंसे की कटोरी से आप घिसिए, कम से कम 10 मिनट रात को सोते समय गर्मी जो है पूरी घी पूरा काला हो जाएगा, हर रोज ऐसा करिए, पूरी गर्मी निकल जाएगी आपकी, आपको ठंडक हो जाएगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी, बिल्कुल सीधा साधा उपाय, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, मैंने जब घी की बात करी है गुरु जी ने बताया अभी होगा, घी मतलब क्या, हाँ गाय का देसी गाय, आजकल बोलना पड़ता है देसी गाय, घी के बारे में ऐसा बोलना पड़ता है अभी शुद्ध घी, अरे घी खुद शुद्ध है, उसको शुद्ध बोलने की जरूरत कब पड़ी जब डंडा आ गया था, हाँ इस प्रकार का आ गया, तब आजकल इसी बात हो गई, इसीलिए गाय के बारे में बोलना पड़ता है, गाय
देसी गाय, इसमें क्या आ गया हमारे पास? जर्सी। जो गाय नहीं है, मैं सिर्फ जर्सी ही बोलता हूँ, गाय कभी नहीं बोलता इसको। सुअर, बिल्कुल बात सही है। सुअर की जो है ना मादा, उसका दूध हम लोग पीते हैं जर्सी के नाम पर। तो बच्चे हमारे कैसे होंगे? हम बोलते हैं सर सुअर कैसा ऐसा हुआ, बोलते हैं ना बच्चों को, क्यों हुआ? आपने दूध ही सुअर का पिलाया, कैसा होगा? ठीक है, पहले नहीं करना है। तो ये बात है, नहीं तो मत पिलाओ आप। मैं तो ये बोलता हूँ, यदि आपको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है तो मत पिलाओ, लेकिन ये तो मत पिलाओ। ये इम्पोर्टेंट बात, देसी गाय का जो दूध है आँख के लिए बहुत अमृत है, पूरे शरीर के लिए अमृत है, रसायन है, जीवनीय है। यदि हम सिर्फ दूध पर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन देसी गाय का दूध तो ये वाली नहीं। ठीक है, तो ये जब घी की बात आती है तब भी देसी गाय का वलोना का, उसमें देसी गाय को हमने दही बनाया, दही बना के इसमें पानी डाल के थोड़ा मक्खा भर अच्छी तरह से, फिर इसमें से मक्खन निकला, मक्खन को अलग निकाल दिया, छाछ को अलग कर दिया, वो जो मक्खन है इसको हल्के ताप से अपने गर्म करके फूक दिया, वो जो मिलता है वो ही घी है, जिसको मथने के बाद आपको प्राप्त होता है, वही घी सही घी है, बाकी कोई घी है ही नहीं। बाकी जो हम आजकल घर में फ्रिज में जो दूध हम बाहर से लेकर आते हैं, मलाई निकाल के फ्रिज में इकट्ठा करके गर्म करके करते हैं, वो घी नहीं है, वो सिर्फ पिघला हुआ फैट है, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं हो, फायदा नहीं करेगा आपको। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके डेफिनेटली आपको फायदा होगा होगा होगा। तीसरी बात, ये कारण के संदर्भ में मैंने बताया वो दूसरी चीज, सभी लोग एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी चिकित्सा है, मतलब वनस्पति है, जीवंती करके, जीवंती गुजराती में इसको टोड़ी खरखोड़ी ऐसा नाम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं अभी तक मुझे याद नहीं है, जीवंती तो बोलते ही है, संस्कृत नाम है वो। और जो वनस्पति शास्त्र के बॉटनी की होगी उनको पता होगा, लैटाइना रेटिकुलाटा के नाम से वो आती है, बहुत अच्छी वो चक्षुष्य का, इसका पर्यायी चक्षुष्य है, मतलब आँख के लिए हितकारी। और उसका उसका दूसरा गुण जो है माता का दूध बढ़ाने वाला, यदि बच्चे का जन्म होने के बाद में यदि माता का दूध ठीक से नहीं आ रहा है तो जीवंती खिलाइए, दूध अच्छा आना शुरू हो जाएगा, एक का दूसरा फायदा है। और जिन्होंने माता का ही अच्छा दूध पीना है, इनको पिया हुआ है, इनको कम से कम बीमारी होगी। आप देख लीजिए आजकल पूरा जो है वातावरण, पानी, खुराक, सब हवा सब अशुद्ध हो गया, इसलिए थोड़ा सा होगा, लेकिन जिन्होंने माता का दूध नहीं पिया है और जिन्होंने माता का दूध पिया है उनके जब तुलनात्मक अभ्यास करेंगे तो माता का दूध जिन्होंने पिया है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, ये हकीकत है। तो आपके लिए भी जीवंती, जिनके पास जमीन है उनको मेरी आग्रह भरी विनंती है, अभी बारिश आएगी उससे पहले आप इसके बीज ले आइए, उसको बोइए, टर्नबंद आप उसको उगाइए, जिन जिन को प्रॉब्लम है सभी को दीजिए। घर में भी जिस तरह के भाजी बनाते हैं दूसरी अलग से, उसके पत्ते की भाजी बना के खाइए आप, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, बहुत ही आप जो बाद में तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसका आपको मिलेगा। तो ये है आहार की जब बात करी, जब ये जो दूषित आहार आजकल हो गया है, सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण सभी लोगों के लिए पेट के जो भी अग्नि है हमारा उसको भी डिस्टर्ब किया है, मैदा, मैदा जो हम खाते हैं, मैदा की कोई भी चीज, कोई भी मतलब कोई भी मैदा जिसमें भी है, मैदा किसको बोलते हैं? बारीक आटा। तो बारीक आटे से हम क्या क्या बनाते हैं? समोसा, कचौरी, मोमो का भी और वही है, और रोटी खाते हम लोग, रोटी को किसकी होती है लोटे की, तो आटा गुटता है, कोई बारीक ही है वही मैदा, ये एक प्रकार का सबसे ज्यादा बीजा चलता है जी, हाँ बीजा, वो भी वो तो प्योर मैदा है ही है, वो तो नहीं ही करना है, जिस जिस मैदे से जो भी आइटम बनती है क्रॉस लगा दीजिए इसको, तो भी नहीं खाना है। एक बात, दूसरी बात, आजकल जो रोटी खाते हैं जैसे आपने बताया कि उसका आटा भी बहुत बारीक होता है, मान लो कि वो भी मैदा ही एक प्रकार का,
हमारे यहाँ संस्कृति हमारी क्या थी, गेहूं घर में पीसे जाते थे, पता है आपको। आजकल हेल्थ कॉन्शियस के नाम पे, जिम के नाम पे आपको इस प्रकार की कसरत करने के लिए बोला जाता था, बोला जाता है अभी आज। हमारे घर में पहले ही था ये सब, दो काम होता था, कसरत की कसरत, व्यायाम का व्यायाम, और आपको ज्यादा बारीक आटा ऐसे मिलेगा ही नहीं, तो थोड़ा जो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं गुजराती में करकरा होता है, तो थोड़ा होता मोटा आटा जो है उससे बनाई हुई चीज आप बना के खाइए, जैसे कि भाकरी है, लड्डू है, तो जो भी इसकी बनता है वो सब इस प्रकार के आप करिए। उसको अंदर आप घी, मतलब मैंने जो अभी बोला घी की डेफिनेशन दी, वो शक्कर डालिए, गुड़ डालिए, हल्का सा सरस बजाना, जो उसको जो बोलते हैं ना अच्छी तरह से एक पकवान, मीठा पकवान बनता है, वो भी बना के खाइए आप। देसी गाय का वीरोना का घी खाने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, साथ साथ हमें व्यायाम तो करना ही है। कोई भी चीज, अमरूद भी यदि हम पचा नहीं पाते तो जहर बनता है, कि हम नहीं पचाया उनके बारे में, हमने कुछ व्यायाम वगैरह नहीं किया तो भी हमारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन ठीक तरीके से हमने किया तो अमृत तुल्य कार्य है उनका, तो वो हमें करना है। तो इस प्रकार से हम खाना खाने के लिए रखिए आप। सब्जी में भी ज्यादातर लौकी है, परवल है, करेला है, ये सब ज्यादा लीजिए आप। फिर ये कठोर में ज्यादा से ज्यादा मूंग लीजिए। हम चावल जो करते हैं जो कुकर में पकाते हैं, इसके बजाय आप बाहर अलग से बर्तन में पानी डाल के इसको धीमी आंच से पकाइए, पानी ज्यादा रखिए, जब पक्का हो जाता है तो ऊपर का पानी निकाल दीजिए, तो वो चावल लीजिए, तो उससे कभी आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज बढ़ेगा नहीं। लेकिन आजकल जो करते हैं वो ऐसा माना जाता है, वो दाना जो है सॉफ्ट हो जाता है, पकता नहीं है, पकेगा कब, हम बिना कुकर पानी इसके ऊपर रख के अंदर धीमी आंच से जब धीरे 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 करके करते हैं तभी होता है। तो आजकल जो भी अलग 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 नए नए प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनमें एक कारण कुकर भी है, फ्रिज भी है, तो ये सब चीजों से दूर रहना है आपके लिए भी। हाजी आप कुछ पूछ रहे थे। हाजी देखो, इसका जो है वो वेला होता है उसका, तो वेले में आप वेला जो चढ़ाना है आपको, तो वो कितनी जगह आपको, जो छोटा सा होता है फिर फैलेगा ऊपर, कितनी जगह है, एक एकड़ में कम से कम 100 दाना लगाइए आप, नजदीक नजदीक में लगाएं, वृक्ष के पास बेल होती है उसकी, जैसे गिलोय होती है उस तरह की बेल होती है, तो वो तो आप अपने जगह पर लगा सकते हैं, ऐसा कोई नाप नहीं होता है कि एक एकड़ का, वो तो नाप होगा तो भी मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं अभी शिक्षा नहीं रहा जी। कृषि और बागवानी एक बार करके देखिए आप कि कितने एकड़ में लगाया तो कितना अच्छा हो गया, दोबारा इस प्रकार से प्लस माइनस करते रहिए आप। कृषि और बागवानी विभाग का संपर्क करके, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो ये मूड जो हमारी जो बात चली थी उसमें ये है। हाँ जी, हाँ ज्यादा हमारे यहाँ ये खास करके जैन धर्म में जो बात कही है कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं करना है, बहुत वैज्ञानिक बात है, खाना भी इससे पहले खा लेना है, सूर्य की उपस्थिति में जो भी काम हमें देखने का करना है सब कर लेना है, उसके बाद में हमें सब आध्यात्मिक कार्य करना है जिसमें हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, बहिर्चक्षु की आवश्यकता नहीं, अंतर्चक्षु की आवश्यकता है, तो वो हमें करना है, वो सब अति प्रकाश जो है ना वो आपको नुकसान दे, कुछ भी अति, आप बहुत आवाज वाले वातावरण में चले जाइए, जैसे तुरंत निकलोगे तो उस सब उसके बाद थोड़े समय के लिए तो कम से कम आवाज कान में इस प्रकार से गुन 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 रहेगी, आपको लगेगा मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हो गया क्या, ऐसा लगेगा। ऐसा आंख के साथ भी बहुत लाइट वाली चीज में आप देखते हैं तो तुरंत बाहर निकलो आप,
अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं आपको, थोड़े समय के बाद धीमे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये जो दिक्कत है ये अवधा, ज्यादा ज्यादा लाइट, ज्यादा ज्यादा आवाज, इसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है कोई भी, यदि वो लेते हैं तो भी थोड़े समय के बाद उसकी नाक में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यदि वही बात रिपीटेडली तब डिसीज जाके हो जाता। हाँ जी, हाँ, कोई भी प्रकाश पीला हो, नीला हो, सफेद हो, ज्यादा प्रश्न करता ही है। अब हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि जो इतनी सारी बातें, बिजली कैसे पैदा करनी चाहिए वो भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन प्रयोग कभी समाज में नहीं ले आए। आपको पता है विमान के बारे में? विमान, भगवान रामचंद्र जी जब लंका से अयोध्या आए, विमान में आए थे, उसका नाम था, उस वक्त विमान के बारे में पता है? हमने विमान कितने मंजिले का देखा है? घर में जो भारत में घूमते हैं तो एक मंजिले का होता है, परदेश जाते हैं तब दो मंजिले का होता है, उससे ज्यादा सुना है देखने के बाद। हमारे वेदों में तो जो पुरुषों की मानने की बात है, सात मंजिले की बात, सात मंजिला वाला विमान था वो। तो टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे थे, फिर भी व्यवहार में वो बात नहीं ऋषि उन्होंने लाई है। क्यों? उनकी आवश्यकता व्यवहार में रोज बरोजना नहीं है, इसलिए प्रकाश विद्युत कैसे होती है उत्पन्न वो उनको पता है, किया भी है, प्रयोग भी किया हुआ है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं लेना है। यंत्र बनाना है लेकिन व्यवहार में इतना ज्यादा उपयोग नहीं करना है। ये सब चीजें क्यों? उनके जो माइनस पॉइंट है वो मनुष्य जाति को नष्ट करने वाला है। हमारा जो मकसद क्या है, तो क्या है हमारा यहाँ आने का, इस प्राप्ति का अल्टीमेट गोल हमारा वही है सभी का। अब कोई भी उसमें जैन धर्म में जाओ, सिख धर्म में जाओ, अपने सनातन धर्म में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप बात वही है, इस प्राप्ति, रास्ते अलग अलग है, वे ऑफ वर्शिप जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये एक ही है हमारे यहाँ। तो उन कैसे करना है वो सब हम करते जाएंगे, ये सब चीजें इसमें बाधा रूप है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको दूर रखा हुआ है। इसलिए हाँ, अब जरूरत है तो कम से कम जो नुकसान करता है वो पकड़िए। आप सफेद लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करें सीधा प्रकाश हमारे आँख के ऊपर ना आए। इसको कभी कभी कई जगह पर आपने शहरों में देखा होगा तो लाइट का जो पीछे का लाइट बल्ब ऊपर रहता है, नीचे प्रकाश ऊपर जाएगा। घर में भी ऐसा कर सकते हैं, आप ज्यादा जरूरत नहीं है तो हो सके रात को पढ़ने का लिखने का बंद कर दीजिए, दिन के प्रकाश में करिए आप। और जिनको आँख को ज्यादा पावरफुल बनाना है, सुबह में जब सूर्य का उदय होता है उसको सूर्य नहीं बोलते हैं, अरुण का उदय बोलते हैं, अरुणोदय। तो उस समय पर सूर्य लाल कलर का होता है, वो देखिए आप खुली आँख से, वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, 5 मिनट आप देखिए, हो सके वहां पे आंख बंद मत करिए, अभी फिर भी तकलीफ होती है बंद करके फिर से खोल के देखिए, स्ट्रेन ज्यादा मत लीजिए उसमें भी, वो आंख का पावर बढ़ाएगा आपका। हमारे यहाँ यद पिंडे तद ब्रह्मांडे की बात है, और यही बात उल्टी भी है, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे अपि च, आंख की रचना पूरे ब्रह्मांड के साथ तो कही हुई है, और वही बात जैसी तरीके से पूरे में पूरे अवयव की बात नहीं करूंगा, सिर्फ आंख की बात करूंगा, आंख की बात है। इसलिए सूर्य और चंद्र ये ब्रह्मांड की आंखें हैं, तो हमें उसी से ताकत लेनी है, सुबह में सूर्य के किरणों से और जब पूर्णिमा होती है तब चंद्र के किरणों से, तो दोनों चीज हमें मिलेगी तो ताकत बढ़ाने वाले। तो ये जब नंबर वाले जब भी मायापिया ये सब आप करिए, दवाई का रोल बहुत कम है इसमें, आप ऐसा नहीं बोलिए कि सब दवाई दे दो हमारा, मैं कभी दवाई एक ही दवाई देता हूँ बस, जीवन दी लो आप। आजकल अभ्यंग की परंपरा चली गई, शिरो अभ्यंग की, और तेल नहीं डालते, का भाग है वो करना ही चाहिए, तेल नहीं डालते बच्चों को माथे पर,
तो उससे नंबर बढ़ते या वो भी आनी या करती डर भी बढ़ती है तो उसके लिए रोज अभियान करना चाहिए होना ही चाहिए। दिनचर्या में जो भी बात सुबह से उठ के ब्रह्म मुहूर्त से उठ के रात को सोते समय जो भी बात कही गई है बिल्कुल सही है सभी इंद्रियों के लिए, सिर्फ आंख के लिए नहीं सभी इंद्रियों के लिए। सिरोभ्यंग करो ठीक है, नाक में बूंदे डालना है, नाक में दवाई डालना, खास करके तेल नाक में डालने के समय हमारे आयुर्वेद ने अपने आयुर्वेद में 14 समय बताए हैं, अलग अलग 14 समय ऐसे हैं, उस समय पर हमको आँख में नाक में तेल डालना चाहिए, कान में हर सुबह तेल डालना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जैसे मैंने अभी बताया पग में गाय का घी लगाने की बात, वो भी इसमें आयुर्वेद में है। पूरे शरीर में अभ्यंग करना वो भी, उससे भी आंख का जो हम काम करते हैं इसके वजह से जो भी अशुद्धियां उत्पन्न हुई है दोषों का प्रादुर्भाव हुआ है नियमित अभ्यंग करने से वो चला जाता है। हाँ जी अजी विटामिन बी और खाने में से मिलेगा आपका, और खाने में से हमारे यहाँ जो डाइट है वो पूरा का पूरा सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला ही है। और हमारे यहाँ दूसरी बात, जब बात निकाली है तो मैं बोल लेता हूँ, हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है आयुर्वेद में, मतलब पोषण की बात नहीं है, हमारे यहाँ पाचन की बात है। यदि आपका पाचन तंत्र सही है तो आप रूटीन जो भी खाते हो खाना खाते हो उसमें सब कुछ आपको मिलता है। अपनी जो गुजराती दाल है वो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। हमारे अपने आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि हमें 6 रसों युक्त आहार खाना चाहिए। हमारी जो दाल बनती है उसमें 6-6 रस है, हल्दी भी डालते हैं तुरा रस है, मेथी भी डालते हैं कड़वा रस है, मिर्ची डालते हैं तीखा रस है, कोई काली मिर्च डालता है तो भी तीखा रस है, सेंधा नमक डालते हैं मतलब दो रस है, गुजरात में थोड़ा सा हल्का सा गुड़ भी डालते हैं तो भी मीठा रस ही हो गया। तो गुजरात की दाल जो है वो संपूर्ण आहार है मेरे दृष्टि से, और कुछ नमक खाओ तो भी चलेगा, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आप कुछ भी खा लो, अभी एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूँगा। हम जब पढ़ते थे तब आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक परिवार था, एक भाई छोटा सा बच्चा था और तो उनकी पत्नी मर गई, मतलब वो बच्चे की माँ मर गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो हमारे यहाँ एक पहले से परंपरा चली है साहब की माँ जो है वो तो बच्चों को हैरान परेशानी करती है, ऐसा एक माहौल पूरा जमाना, आजकल तो ऐसा नहीं रहा है लेकिन पुराने जमाने की बात उसमें ऐसा है। तो वो क्या करती थी, अपने बच्चे को, अपना दूसरा बच्चा अपना खुद का हुआ तो बच्चे को दूध पिला देती और उनको छाछ दे देती, दूध जैसा लगे ना वो सफेद, ले तेरे लिए ये दूध ऐसा करते। धीरे धीरे जब दोनों बच्चे बड़े होने शुरू हो गए तो जो छाछ पी के बड़ा हुआ उनकी इम्यूनिटी उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, तो दूध पी के बड़ा हुआ की थी लेकिन वो कम थी। तो उस समय पर तो हमें लगता था कि ये उन्होंने जैसा जो एक पाठ था पढ़ने का तो पढ़ लिया, लेकिन जब आयुर्वेद में आया तो पता चला इसका महत्व तो कहाँ है, अपने अग्नि के साथ है। यदि हमारे शरीर हमारे लिए यदि हम पाचन शक्ति अच्छी तरह रखते हैं तो कुछ भी अभी जो हमें पाचन हमारे यहाँ हो गया है सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसी में से मिलते हैं। आजकल नमक में आयोडीन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जो यदि हम ओरिजिनल नमक खाते हैं तो, ठीक है। पत्र लेना चाहिए जब खाना खाना है आपको, उसके पान उसकी भाजी बनाइए, यदि कच्चा खा सकते हैं पचा सकते हैं तो कच्चा खाइए, नहीं तो जैसे दूसरी भाजी बनाते हैं उसमें छौंक लगाना है तो घी का छौंक लगाइए, ठीक है। इस तरीके से करिए, फायदा मिलेगा, इसका रस निकाल के भी पी सकते हैं। यदि 12 मास तो मिलेगी नहीं आपको, यदि आपके पास ज़मीन है तो मैंने यही बोला कि पूरा खेत भर दीजिए, पत्ते निकालिए, उसको पाउडर बना दीजिए, सफा के पाउडर बना दीजिए, उसकी टेबलेट बनाइए। पाउडर पूरे 12 साल नहीं रहेगा, उसमें क्या होता है क्या बोलते हैं इसको, कीड़े पड़ने की संभावना रहती है क्योंकि वो अमरुद है, तो ये अमरुद खाने के लिए कीड़े आते हैं, तो इसीलिए इसे टैबलेट बना दीजिए तो इसमें कीड़े कम पड़ेंगे।
शक्कर खाइए आपके बाद में। शहद के साथ, शहद के साथ, वैसे तो दूध के साथ इसका प्रावधान है, शहद के साथ इतना ऐसा नहीं है, दूध के साथ है। ठीक है, लास्ट मुझे भी निकलना है एक जगह। शीतला के पानी से आंख धोने का फायदा है, लेकिन आजकल जो हम लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं और एसी में ज्यादा बैठते हैं, ठंड में हीटर चला लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आंख ड्राई हो जाती है। अब ये ड्राई हो गई तो ड्राई वाली आंख में टिफला से आंख धोना नहीं है, आंख तुरंत लाल हो जाएगी, जलन हो जाएगी, उसमें नहीं करना है। एक बात, दूसरी बात, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको भी इसी प्रकार की जो है फरियाद शुरू हो जाएगी, आंख में लाल हो जाना, हो जाना। पित्त प्रकृति नहीं है, ड्राइनेस नहीं है, फिर भी लाल होती है सुबह आप करते हैं, तो हमने भी सुबह में बहुत किया है ऐसा, तो थोड़े समय तक रहती है तो रहने देना है। उससे फायदा क्या होता है कि उसकी वजह से रक्तवाहिनी का में से रक्त ज़्यादा आँख की ओर आता है और उसको ज़्यादा ताकत मिलती है, तो वो थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो हम रातों तिफलों का रातों विरोध है वो पाउडर, फाइन पाउडर नहीं लेना है, उसको यवकुट बोलते हैं, यवकुट जैसा छोटा छोटा जो है पाउडर वो बना के लेना है, पूरी रात भिगो के रखना है, सुबह में अच्छे कपड़े से छान लीजिए, छानने के बाद में फिर भी दूसरा एक कपड़े में कॉटन डालिए, कॉटन में से इसको धीरे धीरे करके निकालिए, ताकि एक भी पार्टिकल तिफला का छोटा सा भी पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, अच्छे फायदा लेना है तो आई वॉश ग्लास आता है उसमें पानी डालिए तिफला वाला, ऐसे करके खोलिए, बंद करिए, घुमाइए, उल्टा घुमाइए, सीधा घुमाइए, दो से तीन मिनट तक, ज़्यादा नहीं, निकाल लीजिए, दूसरा पान लीजिए, दूसरा आँख में करिए, बाकी का ऐसे छिड़कना है तो छिड़क दीजिए। छिड़कने का माइनस पॉइंट क्या है कि हम अभी बिल्कुल सभानता से यदि करते हैं तो आँख खुली होती है, लेकिन आप देखिए जल्दी से किसी ने हाथ आँख के आगे लिए आँख बंद हो जाएगी, आप जब छालक लगाते हो तो अपने आप आँखें बंद हो जाना स्वाभाविक है, तो पानी जो आँख के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, पानी रह जाएगा। आजकल जो लोग बहुत चलन चला है आयुर्वेद की दृष्टि से उष्ण और तीक्ष्ण वस्तुएं कोई द्रव्य नहीं डालना चाहिए अपवाद के सिवाय, जैसे रसायन जन्य वगैरह, तो गोमूत्र अभी लोग प्रयोग कर रहे हैं आंखों में, तो आपकी दृष्टि से वो कितना उचित है गोमूत्र का प्रयोग आंख के लिए, जबकि आयुर्वेद के ग्रंथों में लगभग नहीं बताया है गोमूत्र का प्रयोग? मूत्राष्टक का प्रयोग है लेकिन आंख के लिए नहीं है वो, आंखें में क्या होता है कि इसमें जलन ज़्यादा हो जाती है और उसका फायदा होता है नहीं होता है ऐसा नहीं, बहुत जलन होने वाली दवाइयाँ भी आयुर्वेद में बताई गई है, लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर रोगों के लिए ही है। इसी तरीके से गोमूत्र का भी आंखें कर सकते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कौन सा रोग है, नियमित रूप से नहीं करना है। नियमित रूप से मैंने जो बोला इन लोगों को तिफला से फायदा हो सकता है, बाकी नहीं, ताकि ज्यादा अपना जो पानी है पीने का उससे साफ होइए। हाँ, यदि वो घी मैंने अभी जो बताया वो है तो, और रात को करना है एक या दो बूंद, ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं भेजूंगा, आप सब सभी को बांट दीजिए। आप चक्षुषु उपनिषद का मंत्र जो है आपके पास भी है सर? हाँ, वो दे दीजिए आप सभी, हल्का सा, देखिए इसमें क्या है, हाँ अभी मैंने जो बोला ना घी का, आप जब जो आप घी लेते हैं जो जिसको हम समझने के लिए बोलते हैं शुद्ध घी है गाय का, तो उसमें क्या होगा, आप कांच की बोतल में भरिए, थोड़े समय के बाद में एक थोड़ा ठीक घी नीचे बैठेगा, ऊपर तरल जैसा घी थोड़ा ऊपर रहेगा, हाँ वो आपको बिना गर्म करे आँख में डाल सकते हैं, दूसरा नहीं, उसका उसका कारण देखना पड़ता है किस कारण की वजह से होती है, कभी कभी मेरे जैसे को आदत बन जाती है ऐसे ऐसे खुजलते ही रहते हैं, होता कुछ नहीं है। ऐसा
आजकल ऐसा हो गया है, आजकल ऐसा हो गया है कि उम्र बढ़ने के साथ में होता है, लेकिन ऐसा भी अभी नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चों में भी, 5 साल के 10 साल के बच्चों में भी मोतियाबिंदु देखने को मिलता है। कारण यही है कि हमने आँख से ज्यादा काम लिया है, अपथ्य आहार का ज्यादा सेवन किया हुआ है, ये सब चीज। अभी आपको फ्रेश मिलती है तो उसकी भाजी बना के खिलाइए, सबसे उत्तम वही है। नहीं मिलती है तो उसका पाउडर, सिर्फ पान का पाउडर। आजकल बाजार में पूरा जो मिलता है वो भी सही नहीं होता है, इसीलिए मैं सभी को यही बोलता हूँ, यदि आपके पास जमीन है तो आप खुद वहाँ पर उगाइए। इतना ज्यादा उगेगी तो सही, लेकिन इतना ज्यादा पत्ता नहीं मिलेगा खाने जैसा। थोड़ा मतलब आप थोड़ी सी भी जमीन आपके पास है, यहाँ पर हमारे एक पेशेंट है, वैसे हमारे मित्र भी बन गए हैं, उनका घर है नीचे का घर है ग्राउंड फ्लोर का। तो जब उनको ये बात बताई मैंने, तो बोले कि सर इसमें क्या बात है, मैं जो है मैं दूसरे मैंने वो लगाए तुलसी को छोड़ के बाकी सब जगह पर मैं जीवंती लगा देता हूँ। तो आज उन्होंने जीवंती लगा दिया, इसी तरीके से वो हर रोज फ्रेश मिलती है इसको, खा लेते हैं। आपका प्रॉब्लम क्लियर होगा अहमदाबाद में ही, यदि अहमदाबाद में आपके पास टेनामेंट है, जमीन है आपके पास, यहाँ लगा दीजिए। तुलसी हमारा धार्मिक प्रतीक है, वो रखिए ताकि सब निकाल लीजिए। कच्चा खा सकते हैं, देखिए आप गांव में रहे कहीं, गांव में कौन रहा, इधर आप रहे ना सभी गांव में। जब खेतों में जलते थे ना उस समय पर उसकी जो बॉर्डर रहती थी हाँ, तो उसमें ये जीवन भी अपने आप उगती थी। तो उस समय पर बच्चे जैसे खेलने निकलते हैं ना, तो पता होता है कि भाई ये खा सकते हैं हम लोग, किसी ने बताया होगा, तो खेलते खेलते पत्ता निकाला चबा लिया खा लिया घूम गए। तो उस समय से जो बड़े हुए हैं इनको आँख का बहुत कम प्रॉब्लम हुआ है। तो देखना पड़ेगा इसको, सर तो नहीं कर सकते हैं। चला जोर से बोलिए, नहीं सूर्योदय के समय चाहिए, सूर्यास्त वाले नहीं। आजकल हमारे यहाँ जो सनसेट देखने का प्रावधान है, जो फैशन चल रही है, ठीक है देखने के लिए, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको, फायदा सुबह वाला ही मिलेगा। नहीं 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 बच्चे आते शुरू में तो बंद ही होती है, तुरंत नहीं खोलते, थोड़े समय के लिए तो बंद रहती है। इसमें ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ ये पूरे जो जात कर्म संस्कार है उसमें भी लिखा हुआ है कि 4 महीने तक बच्चों को प्रकाश में नहीं रखना है। जन्म के बाद कम से कम 4 महीना बिना प्रकाश वाले कमरे में रखना है, ताकि उसको आँख के ऊपर ज़्यादा प्रकाश का खराब असर न पड़े, आँख अच्छी रहे, धीरे 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 उसको करना है, और वो भी सूर्य के प्रकाश के अंदर ही आर्टिफिशियल नहीं। हाँ आपका काम क्या है, लेकिन मोबाइल ज्यादा, लैपटॉप ज्यादा, टीवी ज्यादा, नजदीक का काम ज्यादा, जैसे पहले बहन जो होती है भरत उतर का ज्यादा करते रहते थे, ऐसा कुछ। हाँ तो कितने समय से बंद, तकलीफ कब, अभी अभी हुई, तो आप पहले पामिंग करिए, पाँव में मालिश करने का करिए, और रात को सोते समय गाय का घी, देसी गाय का घी 2 बूंद दोनों आँखों में डाल दीजिए। कहाँ से का 10 मिनट रात को सोते समय रोज, और जब तक तकलीफ दूर ना हो जाए तब तक। धन्यवाद।
बहुत अच्छा मजा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो लोग को चक्षु के बारे में यानी कि आंख के बारे में भी बताया, आंख के स्वास्थ्य के बारे में बताया, तो बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी। आयुर्वेद की दृष्टि से निमि मंत्र की परंपरा में आंखों के लिए आयुर्वेद ने बहुत विचार किया है। इतनी सरलता से आपको समझाया, जो आंखों के ऊपर वो सालों से काम कर रहे थे, चाहते हैं हम कि उन्होंने जो चक्षु संहिता लिखी है, हमारी भावना है संस्कृति आयु मतलब उसका हिंदी में प्रकाशन करें, क्योंकि हिंदी भाषा में बहुत लोग हमारे जुड़े हैं। इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इनमें ये इनका भाषांतर करना है तो जो प्रकाशक है उनकी परमिशन लेने की पड़ेगी। वो प्रकाशक अभी है दुनिया में, इसके लिए वो मुश्किल है, मैं अलग से बना के दूंगा। आंखों के लिए अभी के हिसाब से, अभी के काल के हिसाब से आंखों के स्वास्थ्य के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, खास को निदान बताया दोनों। सबसे पहले तो कारणों का त्याग करना चाहिए जिससे आंखों को नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद है। और वापसी हम इसी तरह के एक तद्वित संभाषा जैसी परिषद में या शिविर में मिलेंगे आयुर्वेद, तो उसमें भी हम ये ज्ञान चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका कि आपने बहुत मूल्य समय निकाल कर आयुर्वेद के आपके ये ज्ञान का और वर्षों के अनुभव का लाभ प्रदान किया। तो ये जिज्ञासु बने हैं पूरा, और पूरा सुबह से वो बैठे हैं और ऐसे ही प्रश्न के माध्यम से वो सीखने का प्रयत्न करते हैं और बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे स्कूलों का यही होना है, संचालन हो पाए है, तो वो निरंतर ज्ञान का लाभ मिले और इसके ऊपर भी हम कुछ काम कर सके। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।